प्लीज सब्सक्राइब टू मौलाना सैयद सादी कासमी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमजानुल मुबारक आखिरी दौर में पहुंच चुका है और आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। खुशकिस्मत लोग हैं जो रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से वो हज़रात हैं जो आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठते चले आ रहे थे, लगातार एतिकाफ़ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों में जमा होने पर पाबंदी है, इसलिए वो एतिकाफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल अक्सर गर्दिश कर रहा है कि एतिकाफ़ कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। तो दो बातें सुन लीजिए तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मर्द लोग मस्जिद ही में एतिकाफ़ करेंगे, मस्जिद के अलावा मर्दों का एतिकाफ़ नहीं होगा। यानी मस्जिद शर्त है मर्दों के एतिकाफ़ के लिए, क्योंकि ये सवाल आया था कल भी मेरे पास, क्या छत पर एतिकाफ़ कर सकते हैं, क्या कमरे में एतिकाफ़ कर सकते हैं, या किसी कोने में एतिकाफ़ कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात ये, औरतें कहाँ एतिकाफ़ करेंगी? नॉर्मल जैसे औरतें एतिकाफ़ करती हैं, घर का कोई कोना, घर का कोई कमरा सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उस कमरे में बैठेंगी, किसी से बात नहीं, किसी से दुनिया की ज़्यादा गुफ्तगू नहीं, ज़रूरत भर के काम, बाकी ज़िक्र, दुआ, तिलावत, इबादत, इसी के अंदर औरतें लगी रहेंगी, अल्लाह को याद करती रहेंगी, अल्लाह को मनाएंगी। ये बड़ी अजीम शान इबादत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा की सुन्नत है, सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, इसको इंशाअल्लाह हम दूसरे वीडियो में बताएँगे। फ़िलहाल इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना, अपने साथियों का, घरवालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।